अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया पे बनाया गया ये 8वां एपिसोड है, इसे पूरा ज़रूर देखें। अब दोस्तों, कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारों पर सल्तनत उस्मानिया के परचम लहरा रहे थे। पूरे शहर में पकदड़ मची हुई थी। आसमान कॉन्स्टेंटिनोपल के रिहायशियों की चीखों और उस्मानी तुर्कों के नारों से गूंज रहा था। इधर जेनिसरी आर्मी भी पै दर पे शहर में दाखिल हो चुकी थी। उस्मानी तुर्क शहर को जीत चुके थे, लेकिन कॉन्स्टेंटिनोपल वालों ने अभी हार नहीं मानी थी, क्योंकि उनके नज़दीक जंग का पलड़ा अभी भी पलटना बाकी था। कॉन्स्टेंटिनोपल के ईसाई लोगों में शुरू से ही एक बात मशहूर थी, यही बात उनकी आखिरी उम्मीद भी थी और उन्हें हौसला भी दे रही थी। वो बात आखिर क्या थी और वो लोग किससे आखिरी उम्मीद लगाए बैठे थे? क्या उनकी उम्मीद पूरी हुई भी या नहीं? और वो चार लोग कौन थे जिनकी तलाश शहर फतह होने के ठीक बाद सुल्तान मोहम्मद दोयम बड़ी बेचैनी से करवा रहे थे? यही सब आज के इस 8वें एपिसोड में हम आपको बताएंगे। कॉन्स्टेंटिनोपल के ईसाइयों के हिसाब से उनकी आखिरी उम्मीद थी एक फरिश्ता। जी हाँ दोस्तों, हमारी दुनिया में कयामत को लेकर जितनी भी बातें फैली हुई है, उनमें एक बात सब धर्मों में एक समान है, वो ये कि कयामत जब भी आएगी अपने साथ एक बहुत बड़ी तबाही लाएगी, जिसके बाद एक नई दुनिया, एक नए दौर की शुरुआत होगी। इसी तरह की एक बात अनातोलिया और यूरोप के ईसाइयों में 15वीं सदी में बहुत मशहूर थी। वो बात ये थी कि अगर कॉन्स्टेंटिनोपल जीत लिया गया, यानी जब भी कॉन्स्टेंटिनोपल ईसाइयों से छीन लिया जाएगा, तो उसी दिन कयामत आ जाएगी या कयामत की शुरुआत होगी। और इस बात की वजह से 29 मई 1453 के दिन को कॉन्स्टेंटिनोपल के ईसाइयों ने यही समझा कि अब तो कयामत आ ही गई है, क्योंकि शहर वाकई तबाह हो रहा था। और शहर के ठीक बाहर अपने खेमे में बैठे सुल्तान मोहम्मद, जो अब सुल्तान मोहम्मद फातह बन चुके थे, वो इस इंतज़ार में थे कि कब ये कयामत के लम्हात रुके और वो शहर में अमनो अमान और शांति का हुक्म देकर एक नए दौर की शुरुआत कर सके। सुल्तान मोहम्मद कॉन्स्टेंटिनोपल की इस तबाही के पार उसके आने वाले भविष्य के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि इसी तबाह और बर्बाद कॉन्स्टेंटिनोपल को आगे चलकर अजीम शहर इस्तांबुल भी बनना था। उस दौर में बहुत सालों से जंगों में ये उसूल होता था कि जिस किसी भी शहर को जंग लड़ के जीता जाएगा, तो जीतने वाली फौज को 3 दिन उस शहर में लूट मार करने की खुली छूट होगी। कॉन्स्टेंटिनोपल भी जंग लड़के ही जीता गया था और सुल्तान मोहम्मद भी सिपाहियों को 3 दिन तक लूट करने की खुली छूट देने के पाबंद थे और कुछ मौकों पर इस बात का वादा भी कर चुके थे। इसीलिए शहर फतह होते ही लूट मार भी शुरू हो गई, लेकिन हारे हुए शहर के ईसाई लोग मायूसी में भी उम्मीद लगाए बैठे थे। कॉन्स्टेंटिनोपल के लोग जानते थे कि उनका शहर उस्मानी तुर्कों ने फतह कर लिया है, लेकिन वो अब भी किसी करिश्मे के इंतजार में थे। शहर के सैकड़ों लोग हाया सोफिया चर्च की तरफ भागे, उस हाया सोफिया की तरफ जिसका उन्होंने अभी कुछ हफ्तों पहले ही ईस्टर संडे के त्यौहार तक बायकॉट कर रखा था। अब इसी हाया सोफिया की तरफ ज्यादातर लोग पनाह के लिए भागने लगे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी उस बात की जो सदियों से उनमें मशहूर थी, वो ये कि जब भी कोई शहर जीतने वाला शहर की मजबूत दीवारों को उधेड़कर शहर में दाखिल होकर कॉन्स्टेंटिनोपल के मीनार यानी सुतून तक आ पहुंचेगा, जिस पर उस रोमन शहंशाह का घोड़े पर सवार मुजस्मा नस्ब था जिसने कॉन्स्टेंटिनोपल शहर को बसाया था। ये सुतून हाया सोफिया से आधे किलोमीटर की दूरी पर है। जब शहर जीतने वाला इस सुतून के पास आ पहुंचेगा, तो उसी वक्त एक फरिश्ता नमूदार होगा जिसके हाथ में तलवार होगी और जो कॉन्स्टेंटिनोपल का बदला लेगा। उस फरिश्ते को देखकर कॉन्स्टेंटिनोपल के मुहाफिजों की हिम्मत बढ़ जाएगी और वो फिर से शहर जीतने वालों का मुकाबला करेंगे और उनको शहर से बाहर खदेड़ देंगे। इस कहानी के मुताबिक चूंकि फरिश्ता उसी हाया सोफिया चर्च के करीब ही नमूदार होने वाला था, इसलिए हाया सोफिया में सैकड़ों पादरी, मर्द, औरतें और बच्चे जमा हो चुके थे और मोमबत्तियां जलाकर किसी करिश्मे की दुआ मांग रहे थे। इस चर्च का गुंबद जलजलों की वजह से पहले ही 3 बार गिर चुका था और इसी चर्च में हर रोमी शहंशाह की तख्त नशीनी की जाती थी।
लेकिन आज तख्त नशीने की खुशियां नहीं बल्कि शहर को बचाने के लिए दुआएं मांगी जा रही थी। लेकिन किसी करिश्मे से पहले कुछ और ही हो गया। लोग चर्च में उस फरिश्ते का इंतजार करके बैठे ही थे कि अचानक एक धमाका हो गया। हुआ कुछ यूं कि चर्च के बीच वाले दरवाजे पर, जो शहंशाह के गुजरने के लिए खास था, वहीं से एक खौफनाक आवाज गूंजी। वहां पर मौजूद ज्यादातर लोगों को शायद यही लगा होगा कि वो फरिश्ता नमूदार होकर उनकी मदद के लिए आ पहुंचा है। लेकिन ये किसी फरिश्ते की आमद नहीं बल्कि सुल्तान मोहम्मद की सबसे खतरनाक फौज जेनिसरीज के चर्च में दाखिल होने का ऐलान था। जेनिसरीज फौज ने 4 इंच मोटे चर्च के दरवाजे को कुल्हाड़ियों के वारों से तोड़ दिया और चर्च के अंदर दाखिल हो गए। जेनिसरीज ने वहां पर खड़े एक एक पादरी, औरतें और बच्चों को गुलाम बना लिया। उसके बाद उन्होंने चर्च को जी भर के लूटा। सोने चांदी और हीरे से जड़ी सलीबे, वहां पर लटकी हुई कीमती तस्वीरों के फ्रेम तक उखाड़ लिए। सारा फर्नीचर, शहंशाह के बैठने का तख्त, ये सब कुछ लूट लिया गया। लेकिन अभी सिपाहियों को एक और अहम काम भी करना था, और वो ये कि हाया सोफिया के तहखानों में छुपा हुआ वो खजाना भी निकालना था, जिसकी कहानियां वो एक मुद्दत से सुनते आ रहे थे, जिस खजाने के बारे में उनको सुल्तान और दूसरे लोगों ने बताया था, और इसी खजाने को पाने की कोशिश में वो जान तोड़कर लड़े भी थे। अब उसी खजाने की तलाश में सिपाहियों ने पूरा तहखाना छान मारा, लेकिन वहां पर सिर्फ एक कब्र के सिवा और कुछ नहीं था। ये कब्र वीनस के एक सियासतदान की थी। खजाने की तलाश में इसे भी खुद आ गया, लेकिन वहां से जो चीज निकली उसे देखकर वहां पर मौजूद सिपाही हैरत से उछल पड़े, क्योंकि उस मकबरे में खजाना नहीं था बल्कि सिर्फ कुछ हड्डियां ही मिल पाई। इतनी मेहनत और कुर्बानियों के बाद ये सड़ा हुआ हड्डियों का ढांचा देखकर जेनिसरीज फौज आग बबूला हो गई और उन्होंने ये ढांचा निकालकर सड़क पर फेंक दिया। ये कहानी मगरबी इतिहासकारों ने बयान की है, जबकि मुस्लिम इतिहासकारों ने ऐसे वाकियात का कहीं कोई जिक्र नहीं किया। एक इतिहासकार डॉक्टर उजैर लिखते है कि तुर्कों ने फतेह के जोश में कंस्टेंटिनोपल में कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया, लेकिन जब शहर वालों ने कोई विरोध नहीं जताया तो वो सिर्फ माले गनीमत जमा करने में लग गए। इसके अलावा तमाम मुसलमान और गैर मुस्लिम इतिहासकार इस बात पर मुत्तफिक है कि सुल्तान मोहम्मद शहर में कोई कत्लेआम या तबाही नहीं करवाना चाहते थे। हाया सोफिया पर हमले के बाद ताहम परस यूनानियों में एक और कहानी बहुत मशहूर हुई। वो कहानी ये थी कि जब जेनिसरीज ने हाया सोफिया पर हमला किया तो वहाँ के पादरी सारी सलीबे और दूसरे मुतबर्रुकात उठाकर एक दीवार के पास आए। फिर एक करिश्मा हुआ, वो दीवार बीच से खुल गई और एक रास्ता बन गया, और इसी रास्ते से ये लोग अंदर चले गए। उसके बाद दीवार फिर से जूं के तू बराबर हो गई, यानी बंद हो गई। अब यूनानियों ने ये अकीदा बना लिया कि ये पादरी आज भी इसी दीवार के अंदर दूसरी तरफ कहीं जिंदा और सही सलामत है, और जिस दिन कोई ईसाई बादशाह फिर से कंस्टेंटिनोपल को फतेह करके हाया सोफिया को दोबारा गिरजाघर यानी चर्च बना लेगा तो उस दिन दीवार फिर से खुलेगी और इसके अंदर मौजूद पादरी एक बार फिर से इस दुनिया में वापस लौट आएंगे। हाया सोफिया में तो मामला बगैर किसी खून खराबे के निमट गया था, लेकिन शहर के बाकी इलाकों में हालात अच्छे नहीं थे बल्कि लड़ाई झगड़े और मुठभेड़गिरी तेज हो चुकी थी। कंस्टेंटिनोपल शहर के कुछ हिस्सों में ईसाई लोग अब भी तुर्क सिपाहियों के मुकाबले पर डटे हुए थे और उन पर ईंटें और ग्रीक फायर फेंक रहे थे, जबकि कुछ जगहों पर उस्मानी फौज की छोटी छोटी टुकड़ियों भी लड़ाइयां शुरू हो चुकी थी। ये लड़ाइयां गुलाम और लौंडियां बनाने के मामले पर शुरू हुई थी। हर सिपाही की ये चाहत थी कि सेहतमंद नौजवान और खूबसूरत लड़की और लड़कियां उसके हाथ आए ताकि इन्हें गुलामों के बाजार में भारी कीमत में बेचा जा सके। इसी कोशिश में सिपाही आपस में झगड़ पड़े। इस मामले पर तो सिपाहियों ने तलवारें निकाल ली थी। शहर की गलियों में एक नया खून खराबा शुरू हो चुका था, जिसमें बहुत सारे उस्मानी सिपाही आपस में ही लड़कर मारे गए। बाद में वहां के सालारों ने मुदाखलत करके पीछ बचाव करवाया। सिपाहियों और अफसरों में बहस के बाद एक हल निकाला गया। वो ये कि जो भी सिपाही किसी घर को लूटने के लिए जाएगा वो उस घर के बाहर एक चंडा नस्ब कर देगा। ये इस बात की अलामत होगी
किस घर को लूटने का हक किसी और को नहीं बल्कि सिर्फ उसी को है जिसने ये झंडा गाड़ा है। जंग के उसूलों के मुताबिक ठीक तीसरे दिन ये खून रेजी और शहर को लूटने का सिलसिला आखिरकार बंद हुआ। कंस्तांतुनिया के ज्यादातर मर्दों, औरतों और बच्चों को बांधकर खेमों में पहुंचा दिया गया था। हैरतअंगेज बात तो ये है कि मुसलमान तो अपने कानून के मुताबिक माल गनीमत और गुलाम हासिल कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ उस्मानी फौज में शामिल ईसाई भी यही कर रहे थे। इन ईसाइयों ने भी माल लूटा, मर्दों और औरतों को गुलाम भी बनाया। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या वाकई शहर फतेह हो चुका था? जी नहीं, शहर अभी तक पूरी तरह से फतेह नहीं हुआ था, क्योंकि शहर के कुछ हिस्सों में ईसाई जंगजू आखिरी सांस तक लड़ने का इरादा कर चुके थे। हालांकि इन लोगों के जीतने का कोई चांस ही नहीं था। आज या तो कल उस्मानियों के हाथों मौत तो इनका मुकद्दर थी ही, लेकिन ऐसे में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने जंग को ख़त्म करने के लिए इन सिपाहियों को हथियार फेंकने के बदले अमनो अमान देने का वादा किया। उन ईसाई जंगजुओं ने हथियार डाल दिए और सुल्तान ने भी अपना वादा पूरा किया। जब ये लोग वापस जा रहे थे तो उस्मानी फौज के किसी भी हिस्से ने उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। ये लोग शहर से निकले और इटालियन जहाज़ों में बैठकर यूरोप की तरफ रवाना हो गए, लेकिन शहर की बंदरगाह पर अभी 15 जहाज ऐसे खड़े हुए थे जिन्हें चलाने वाला कोई नहीं था। ये जहाज मुसाफिरों से खचाखच भरे हुए थे। उस्मानी फौज ने ये सारे जहाज कब्जे में ले लिए और उनमें मौजूद मुसाफरों को गुलाम बना लिया। लेकिन दोस्तों, शहरी आबादी को गुलाम बनाने वाली बात भी तारीख में डामाडोल ही रही है और आज तक इस बात के हक में या इसके खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि एक पश्चिमी इतिहासकार स्टैनफोर्ड शो ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ ऑटोमन एम्पायर और मॉडर्न तुर्की में ये बात लिखी है कि कंस्तांतुनिया की ज्यादातर आबादी उस्मानी तुर्कों के डर से शहर छोड़कर जा चुकी थी, यानी उन्हें गुलाम नहीं बनाया गया था। और अब शहर वाकई ही फतेह हो चुका था, क्योंकि सारे ईसाई और यूरोपियन फौजी कंस्तांतुनिया छोड़ चुके थे। पूरे कंस्तांतुनिया पर मुसलमान उस्मानी तुर्कों का कब्जा हो चुका था, लेकिन चार लोग अब भी ऐसे बचे थे जिनकी तलाश सुल्तान मोहम्मद फातेह के लिए उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी थी। वो चार लोग जिनकी तलाश थी, उनमें से एक तो था रोमन शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन 11, दूसरा था सुल्तान का चचा ओरहान कल्बी जो उस्मानी रियासत का गद्दार था, तीसरा आदमी था पोप का भेजा हुआ नुमाइंदा कार्डिनल इसोडोर जो पोप के 300 तीरंदाजों के साथ शहर की हिफाजत के लिए आया था, आखिरी और चौथा शख्स था शहर के मुहाफिजों का सरदार जॉन जस्टिनियानी। इन चारों की तलाश अभी जारी ही थी कि सुल्तान के पास एक कटा हुआ सर लाया गया, जिसके मुतल्लिक कुछ कैदियों ने बताया कि ये सर कॉन्स्टेंटाइन 11 यानी कंस्तांतुनिया के शहंशाह का ही है। बाद में उस सर को एक बाले पर टांगकर हाया सोफिया के सामने उसी सुतून पर नस्ब कर दिया गया जहां पर पहले घोड़ेसवार शहंशाह का मुजस्मा नस्ब किया हुआ था, ताकि सबको इस बात पर यकीन हो जाए कि रोमन शहंशाह मारा जा चुका है। लेकिन आज भी मगरीबी दुनिया में यानी ईसाइयों में कोई भी इस बात का यकीन नहीं करता कि शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन 11 मारा गया था और वाकई उसका सर काटा गया था, क्योंकि उसकी कब्र ही मौजूद नहीं और कॉन्स्टेंटाइन की कब्र तारीख की नामवर गुमशुदा कब्रों में से एक है। जो कटा हुआ सर सुल्तान मोहम्मद के सामने पेश किया गया था वो कॉन्स्टेंटाइन का था या नहीं, लेकिन सुल्तान मोहम्मद अब इस बात से मुतमईन थे कि कॉन्स्टेंटाइन 11 अब इस दुनिया में नहीं रहा। मुस्लिम इतिहासकारों ने भी लिखा है कि जब जेनिसरी शहर में दाखिल हुए थे तो कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी शाही और कीमती पोशाक उतार फेंकी और खुद तुर्कों का मुकाबला करने लगा और लड़ते लड़ते ही मारा गया। अब सुल्तान मोहम्मद की लिस्ट में कॉन्स्टेंटाइन के बाद दूसरा नंबर उनके चाचा ओरहान कल्बी का था, क्योंकि जब तक ये शख्स जिंदा रहेगा तब तक ये खतरा मंडराता रहेगा कि वो उस्मानी सल्तनत के तख्तो ताज पर अपना दावा जमा कर सल्तनत में खाना जंगी और लड़ाई ना शुरू करवा दे। इसलिए तुर्कों ने तेजी से उसकी तलाश करनी शुरू कर दी। शायद ओरहान कल्बी शहर से जिंदा और सही सलामत निकल भी जाता, लेकिन सुल्तान के सिपाही
कैदियों ने उसे सी ऑफ मारमरा की दीवार पर भागते हुए देख लिया। बुरहान कल्बी अपनी जान बचाने के लिए भागा, लेकिन सिपाहियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। जब उसे बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आया तो मियाँ ने इतनी ऊंची दीवार से ही नीचे छलांग लगा दी। भले ही उसने छलांग नीचे की तरफ लगाई हो, लेकिन दर हकीकत वो ऊपर की तरफ पहुंच चुका था। यानी सिपाही जब उसे देखने के लिए करीब आए तब तक तो वो मर चुका था। अब ये सरों के दुश्मन तुर्क सिपाही ओरहान कल्बी का भी सर काट कर सुल्तान के पास ले गए, और इस तरह से सुल्तान का ये दूसरा दुश्मन भी मारा गया। अब तीसरा दुश्मन था कार्डिनल इसोडोर। ये गिरफ्तार हो जाने के डर से इतना परेशान हुआ कि इसने अपने कीमती कपड़े उतारकर एक लाश को पहना दिए और लाश के फटे पुराने खून आलूद कपड़े खुद पहन लिए। इसोडोर चोरी छुपे बंदरगाह के रास्ते की तरफ निकल लिया, लेकिन रास्ते में सिपाहियों ने इसे रोक लिया। मगर मसला तो ये था कि तुर्क सिपाही इसे उसकी शक्ल से नहीं पहचानते थे। उनको सिर्फ इतना ही पता था कि इसोडोर नाम का बुड्ढा शहर से बचकर नहीं जाना चाहिए, लेकिन फटे पुराने कपड़ों की वजह से तुर्क सिपाही इसे आम गरीब बुड्ढा समझने लगे, जो गुलाम बनाए जाने के भी काबिल नहीं था और ना ही गुलामों के बाजार में इसकी कोई कीमत मिलने वाली थी। वो सिपाही इसोडोर को बेफायदा समझकर शायद उसे जान से मार ही डालते, लेकिन इसोडोर के पास कुछ रकम मौजूद थी। वो रकम उसने सिपाहियों को दे दी और सिपाहियों ने भी रहम खाकर उसे छोड़ दिया। और यूं कार्डिनल इसोडोर भी, अरे नहीं नहीं, बर्बाद इसोडोर भी शहर के बाहर खड़े एक इटालियन जहाज तक पहुँचने में कामयाब हुआ और वहां से वन वे फरार हो गया। यानी फिर कभी भी कंस्टेंटिनोपल की तरफ लौटा ही नहीं। इस तरह ये तीसरा दुश्मन जान बचाकर निकल गया। सुल्तान का चौथा दुश्मन इस जंग में रोमियो का कमांडर जॉन जस्टिनियानी था। ये वही शख्स था जो शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन 11 के बाद कंस्टेंटिनोपल के मुहाफिजों की सबसे बड़ी मदद था। ये बहुत बहादुरी से लड़ा था और उस्मानी फौज को भी इसकी बेहद तलाश थी, लेकिन जॉन जस्टिनियानी शहर पर उस्मानियों का कब्जा होने से पहले आखिरी लड़ाई में बहुत ही जख्मी हो चुका था, जिसके बाद उसके साथी उसे उठाकर समंदरी जहाज में ले गए। उसी जहाज में जिस जहाज में बैठकर वो जिनीवा से यहाँ आया था। जिस वक्त उस्मानी फौज शहर में दाखिल हुई उस वक्त जस्टिनियानी उसी जहाज में जख्मी होकर पड़ा हुआ था। उसके साथी उस्मानियों से लड़ाई में मारे जा चुके थे, लेकिन उसके बचे कुचे कुछ साथी फौरी तौर पर उस वक्त अपने जहाज में पहुंचे और जहाज को बंदरगाह से दूर ले गए। वैसे इस तरह जस्टिनियानी जिंदा तो उस्मानियों के हाथ नहीं आया, लेकिन वो इतना ज्यादा जख्मी हो चुका था कि ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाया और 1 जून 1453 को वो भी तड़प तड़प कर मौत का शिकार हो गया। इसके साथ ही इसकी लाश को यूनान यानी ग्रीक ले गए और उसे यूनान के किले चाश्त में दफन कर दिया गया। यूं सुल्तान के 4 इम्तिहाई भगोड़े दुश्मनों में से 3 मारे गए और सिर्फ एक ही जिंदा बचने में कामयाब हुआ। लेकिन इन चारों के अलावा अब सुल्तान मोहम्मद फातेह के नजदीक एक ही दुश्मन बाकी था, जो घर के अंदर ही मौजूद था और सुल्तान उससे भी जान छुड़ाना चाहते थे, और ये था सुल्तान का वजीर आजम खलील पाशा, जिसने कंस्टेंटिनोपल फतेह करने के ख्वाब को एक जुनूनी नौजवान की बेवकूफी करार दिया था। यानी सीधे सीधे सुल्तान को ही बेवकूफ ठहराया था। सो कंस्टेंटिनोपल जीतने के ठीक 2 दिन बाद खलील पाशा की भी गर्दन उड़ा दी गई। अब शहर फतेह हो चुका था, सुल्तान के दुश्मन मारे जा चुके थे या फरार हो चुके थे। 21 साल के नौजवान सुल्तान मोहम्मद अब सुल्तान मोहम्मद फातेह के नाम से मशहूर होने लगे थे और दुनिया के उस वक्त के सबसे चाहे जाने वाले शहर कंस्टेंटिनोपल के मालिक बन चुके थे। मुसलमानों का 7 सदियों का इंतजार खत्म हुआ और यूं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई पूरी तरह से सच साबित हो गई। उस दिन के ढलते ही सुल्तान शहर में दाखिल हुए। सबसे पहले वो कंस्टेंटिनोपल के पुराने और कदीम चर्च हाया सोफिया के सामने पहुंचे, अपने घोड़े से उतरे और उन्होंने जमीन से थोड़ी सी मिट्टी उठाकर अपनी पगड़ी पर डाल ली। ये उनका अल्लाह के सामने आजिज़ी जाहिर करने का इजहार था। उसके बाद वो हाया सोफिया में दाखिल हुए। एक सिपाही ने वहां पर अजान दी और सुल्तान ने हाया सोफिया चर्च को मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया, और सुल्तान के ऐलान करने के बाद ही इसे नया नाम दिया गया। वो यही नाम है हाया सोफिया। इससे पहले इसे हेगिया सोफिया कहा जाता था।
उसी दौरान सुल्तान की नजरें एक ऐसे सिपाही पर पड़ी जो हाया सोफिया का फर्श तोड़ रहा था। सुल्तान ने उस सिपाही को रोका और कहा कि ये शहर और इसकी इमारतें मेरी है, इन्हें नुकसान हरगिज मत पहुंचाओ। सुल्तान ने हाया सोफिया को तो मस्जिद बना दिया था, लेकिन शहर के एक और चर्च द चर्च ऑफ द होली अपोस्टल्स को मस्जिद नहीं बनाया गया था। 1 जून को सुल्तान मोहम्मद ने शहर में अमनो अमान कायम करने का हुक्म भी जारी कर दिया और शहर से भाग चुके ईसाई लोगों को भी ये पैगाम पहुंचाया कि वो कॉन्स्टेंटिनोपल शहर की तरफ वापस लौट आए, उन्हें हमारी तरफ से पूरी अमान और हिफाजत दी जाएगी। यही नहीं बल्कि सुल्तान मोहम्मद फातेह ने ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों के सबसे मुअज्जज पादरी जॉर्ज कोलेरियस को, जिसको उनकी फौज ने कैदी बनाया हुआ था, उस पादरी को भी आजाद करवाया और ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों का पोप यानी रूहानी पेश मुकर्रर कर दिया। इस तरह से ऑर्थोडॉक्स चर्च सुल्तान मोहम्मद फातेह की सरपरस्ती में आ चुके थे, जबकि इसके साथ ही कॉन्स्टेंटिनोपल के करीब मौजूद गलाटा की बस्ती ने भी खुद ही सुल्तान के सामने हथियार डालकर सरेंडर कर दिया था और यूं ये सारा इलाका सल्तनत उस्मानिया में शामिल हो चुका था। अब कॉन्स्टेंटिनोपल का छिन जाना यूरोपियन ईसाइयों के पुराने अकीदों और यकीनों पर एक चुपता हुआ कांटा था जो हर बढ़ते दिन के साथ और ज्यादा चुपता जा रहा था, जिसे वो निकाल भी नहीं पा रहे थे। लेकिन अब तो उनके पास शोक मनाने के सिवा कोई दूसरा चारा ही नहीं था। फिर भी ईसाइयों के रूहानी पेशवा यानी पोप ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर दोबारा कब्जा करने के लिए आखिरी 2 कोशिशें भी की। पोप निकोलस 5 ने पहले तो सलीबी जंगों का ऐलान कर दिया, लेकिन पोप के हुक्म पर यूरोपियन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी, यानी कोई भी उस्मानियों के खिलाफ सलीबी जंग करने को तैयार नहीं हुआ क्योंकि सभी ईसाइयों की फटी पड़ी थी। फिर दूसरी कोशिश पोप ने ये की कि तुर्कों को ही ईसाइयत कबूल करने की दावत पेश की। अब जाहिर है ये कोशिश भी नाकाम ही रहनी थी क्योंकि ईमान वाले कभी भी अंधेरों की तरफ नहीं लौटा करते। उसके बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कॉन्स्टेंटिनोपल को सल्तनत उस्मानिया का नया दारुल हुकूमत करार दे दिया। 2 जून को हाया सोफिया में नमाज जुमा अदा की गई और इस मौके पर सुल्तान ने कॉन्स्टेंटिनोपल को एक नया नाम दिया। वो नाम था इस्लाम बोल, जिसका मतलब था इस्लाम का शहर। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर यह नाम मकबूल नहीं हो सका और तुर्क जबान में शहर का पहला नाम ही रायज रहा, जो नाम था इस्तांबुल। इतिहासकार फिलिप मेंसल के मुताबिक यूनानी जबान में शहर के अंदर या अंदरूनी शहर के हिस्से के लिए इस्तिनतिनपोल का नाम इस्तेमाल होता था, लेकिन तुर्की में यह नाम बिगड़कर इस्तिनतिनपोल से इस्तांबुल बन गया और ये शहर के फतेह होने से पहले की बात है, यानी अनातोलिया के तुर्क कॉन्स्टेंटिनोपल को जीतने से पहले ही उसे इस्तांबुल के नाम से ही पुकारते थे। कुछ लोग समझते हैं कि इस्तांबुल ही बिगड़कर इस्तांबुल बना है, लेकिन ये राय दुरुस्त हरगिज नहीं लगती क्योंकि सच यही है कि मुसलमान इस्लाम के लफ्ज को कभी बिगाड़ ही नहीं सकते और इस्लाम का लफ्ज वैसे भी पूरी दुनिया के मुसलमान आसानी से और एक ही तरीके से बोलते हैं, इसलिए इस्तांबुल के इस्तांबुल बनने की वजह मेरे नजदीक कम है। अब फतेह के बाद कॉन्स्टेंटिनोपल की हाकिमियत ही नहीं बल्कि इसकी शक्लो सूरत और आबादी भी बदल गई क्योंकि सुल्तान मोहम्मद एक बार फिर इसे एक अजीम और आलमी शहर बनाना चाहते थे और इसी वजह से उन्हीं के हुक्म पर पूरी दुनिया से और खास तौर पर सल्तनत उस्मानिया के कोने कोने से फनकारों और अलग अलग काम के माहिरीन को लाकर इस शहर में बसाया गया। इनमें ईसाइयों के साथ साथ हर मजहब के लोग शामिल थे। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इन सबको मजहबी आजादी फरहम की, ना किसी को जबरदस्ती मजहब तब्दील करवाया गया, ना ही किसी को उसके मजहब पर अमल करने से रोका गया और यूं कॉन्स्टेंटिनोपल में अमनो अमान कायम हो गया। तो दोस्तों, ये थी सल्तनत उस्मानिया के उरूज की कहानी, लेकिन सल्तनत उस्मानिया पे बनी ये सीरीज यहीं पे खत्म नहीं होगी। ये तो सिर्फ तुर्कों का आधा इतिहास ही था, जिसमें हमने आपको तुर्कों के एक छोटे से गुमनाम और रेवड़ चलाने वाले कबीले से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत बनने तक की मुकम्मल दास्तान सुनाई। लेकिन अभी भी ये दास्तान अधूरी है क्योंकि अभी तो सल्तनत उस्मानिया सिर्फ उरूज पर पहुंची है। इसके जवाल और जदीद तुर्की बनने की दास्तान आपको सुनाना अब भी बाकी है, वो भी आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल इनविजिबल इल्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, अगर अभी सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कब करोगे। सब्सक्राइब करने के साथ ही मुस्लिम इतिहास से जुड़े ये वीडियोस अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक भी जरूर पहुंचाइए और उन्हें इस्लाम की अजीम तारीख से आगाह और वाकिफ कराइए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान में रहे। अस्सलाम वालेकुम।